हेलो एंड वेलकम टू विजय सर क्लासेस. दिस इज रंजीता, योर इकोनॉमिक्स कोच, योर गाइड. एंड लास्ट क्लास में हम अपने 11th इकोनॉमिक्स में पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स का हम लेसन 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था. ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं व्यवस्थितीकरण हिंदी में, ठीक है. इसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था. अब आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. आज हम देखेंगे कि सीरीज किसे कहते हैं. यह सीरीज जो है इसको हिंदी में कहा जाता है श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला कहा जाता है. इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो सीरीज है यही इसी से आगे चलकर हम अपने यूनिट 3 का क्या बनाएंगे, पूरे जो हम कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है पूरा यूनिट 3, ये पूरा इसी पर बेस होगा, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सीरीज क्या होता है. देखिए सबसे पहली बात आपने क्या है, कलेक्शन. सबसे पहली बात तो आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है. जो डाटा कलेक्ट करके आपने क्या किया, उसको प्रॉपर वे में आपने उसको क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया. ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है. अब क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम अलग अलग तरह के सीरीज में क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं. उसी को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. तो ये सीरीज कौन से होते हैं, ये सीरीज एक्चुअली दो टाइप के होते हैं. श्रृंखला दो टाइप की होती है. एक को हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला, या इसी को श्रेणी भी कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसको श्रेणी भी कहते हैं. तो एक एक हो गया इंडिविजुअल सीरीज, है ना, और दूसरा है इसमें फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है. ये दो तरह की श्रृंखला या दो तरह की सीरीज होती है. अब इसको फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है कि, चलिए सबसे पहले तो अब इंडिविजुअल हम पढ़ लेते हैं, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. यहाँ पर ये भी हम क्लियर कर दें कि ये जो फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है ये आगे चल के दो पार्ट में बट जाती है. एक होता है इसमें डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल सीरीज में आपको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है, इंडिविजुअल सीरीज में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती है. तो आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि सीरीज कितने तरह के होते हैं. ये तो खैर ये ज़्यादा डिटेल में मैंने बता दिया. इसको हम कह सकते हैं कि ये पहला, ये दूसरा और इसको हम तीसरा, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है. मतलब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है. सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल सीरीज में आएंगे तो हम क्या देखेंगे, क्या होता है ये इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली. यहां पर देखिए आपको दिख रहा है ये क्या है, सीरियल नंबर है, एस एन सीरियल नंबर है. सीरियल नंबर देखिए 1, 2, 3, 4, 5. तो और यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये पहला बच्चा है जिसको कितने का भी, शायद 50 में हुआ हो, जितने में भी हुआ हो, तो इसको उतने में कितना मिला है, 35 मार्क्स मिला है. ये सेकेंड स्टूडेंट है, यहाँ पर दो का मतलब यहाँ पर दो बच्चे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है. यहाँ पर ये दो लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये दूसरा बच्चा है, ठीक वैसे ही जैसे आप लोग क्लास में बैठे हो तो वो फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड है, ये तीसरा बच्चा है, वो चौथा बच्चा है. तो चौथा बच्चा अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब वहाँ पर चार बच्चे हैं ऐसा नहीं है, दैट 4-1 इज सिंगल, ठीक है. तो आपको तुरंत ये समझ में, आपको क्वेश्चन देख के ही ये समझ में आ जाएगा. इस तरह से होता है कि पहले स्टूडेंट को 35 मार्क्स मिला, दूसरे स्टूडेंट को 25 मार्क्स मिला, तीसरे स्टूडेंट को मिला 20, फोर्थ स्टूडेंट को मिला 26 और फिफ्थ स्टूडेंट को 36 मार्क्स मिला. तो यहाँ पर देखने से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है. फ्रीक्वेंसी होने का क्या मतलब होता है, अगर मैं बोलूं कि दो बच्चे ऐसे हैं जिनको 25 मार्क्स मिला, तो यहाँ पर ये जब मैं ऐसा कहती हूँ कि दो बच्चे ऐसे हैं जिनको 25 मार्क्स मिला, तो यहाँ मेरा मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर दो बच्चे हैं, 1 एंड 2, ठीक.
ठीक है, तब ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं है। ये इंडिविजुअल सीरीज कब होगा, तब मैं जब मैं बोलूंगी कि सेकंड बच्चे को 25 मार्क्स मिला है। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक, तो इस तरह से जब भी आप ऑर्गेनाइज करोगे तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। ओके, अच्छा, सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का क्या मतलब होता है, जो बढ़ता हुआ होता है ना, जिसमें सबसे छोटा, मतलब ये व्यवस्थित करने का, ऑर्गेनाइज करने का ये तरीका भी बता रहा है कि ऐसा भी कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आप सबसे छोटा ये जो है इसको आप सबसे पहले लिखो, ठीक है, उसके बाद आप लिखो ये 25, फिर आप लिखो 26, फिर आप लिखो 35 और उसके बाद आप लिखो 36। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे, अगर इस तरह से आप लोगों को लिखना रहा तो इसका ठीक उल्टा, ठीक है ना, उसमें आप क्या करोगे, सबसे बड़े को यानी कि 36 को सबसे पहले लिखोगे और ऐसे करते करते आप 20 को सबसे लास्ट में लिखोगे। इस तरह से भी किया जा सकता है, ठीक है ना। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों को याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के जब हम यूनिट 3 में जब हम सवाल बनाएंगे तो कुछ कुछ सवालों में हमको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये इंडिविजुअल सीरीज आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, जो ये वाला सीरीज है ना जिसमें फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ ये जो ये डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, ये दोनों ही सीरीज में आपको क्या मिलेगा, फ्रिक्वेंसी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हम डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं, एक यहाँ पर टेबल बना हुआ है जिसमें क्या है लिखा हुआ है, देखिए मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए 35 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं, 16, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये एक्चुअली क्या है, ये फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 16वां बच्चा ऐसा नहीं बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, 16 बच्चे हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, समझ में आया, यही है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 25 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे, 20 बच्चे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने बच्चे, 20 मार्क्स पाने वाले 12, 40 मार्क्स पाने वाले 9 और 45 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे, 17 बच्चे। तो ये यहाँ पर 17 का मतलब 17वां नहीं है, कितना है, 17 स्टूडेंट हैं, इसीलिए इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये थर्ड जो कंटिन्यूस सीरीज है हम उसकी बात कर रहे हैं। कंटिन्यूस सीरीज को पहचानना बहुत अधिक आसान होता है जब आप अपने कलेक्टेड डेटा को इस फॉर्म में आप तब्दील कर देते हो। जैसे कैसे, 0 से 5 के बीच में मार्क्स पाने वाले 16 स्टूडेंट, 5 से 10 के बीच में मार्क्स पाने वाले 20 स्टूडेंट, 10 टू 15 के बीच में मार्क्स पाने वाले 21, ये देखिए इस तरह से जब ये सेट होता है तो उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये एक्चुअली क्या है, यही तो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि 0 से 5 मार्क्स पाने वाले 16 स्टूडेंट, तो यहाँ 16 अलग अलग स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम 16th स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज जो होगा उसमें क्या होगा, हमेशा फ्रीक्वेंसी दिया होगा, फिर ये फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए तो इनको फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 16, तो 16 को हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा है देखिए यूज ऑफ टैली बार, टैली बार के जरिए भी हम इस ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम इंडिकेट कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 16 की जगह बाई चांस की बात है यहाँ पर 5 होता है ना, तो 5 को कैसे काउंट किया जाता, ये देखिए ये है टैली बार है ना, तो इसमें 5 को कैसे किया जाता, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए एक ऐसा स्लैंटिंग लाइन खींच दिया जाता है, ये होता है 5, ठीक है।
और ये यहां पर 16 लिखा हुआ है, तो 16 को कैसे किया जाएगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 5 5 5 5 15, और 16 के लिए क्या, ये हो गया आपका 16, इस तरह से लिखा जाता, ठीक है। तो हो सकता है कभी एग्जाम में आपको पूछ दे कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या फ्रीक्वेंसी है, इसको आप पहली बार में शो कीजिए, तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात होगी, ठीक है ना। या जैसे ये देखिए, एक बार फिर मैं अगर आपको बता दूं, तो ये जो 20 लिखा हुआ है, 20 को आपको टेली बार में अगर शो करना है तो आप कैसे करोगे? 20 को ये देखिए, 20 इसको आप कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, इक्वल टू क्या हो गया? 20 हो गया, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम जानी चाहिए। तो इस तरह से अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा अपना सीरीज के अंदर में कितने तरह के सीरीज होते हैं, कितने तरह के सीरीज में हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज जो कि ये है, दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा होता है कंटिन्यूस सीरीज। ओके, आइए अब हम अपने सीरीज से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये टर्म्स वो टर्म्स हैं जिनका आपको समय समय पर आपको यूज़ करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट इज क्लास, ठीक है, इसको हिंदी में वर्ग भी कहते हैं। ये क्लास एक्चुअली क्या होता है? अ रेंज ऑफ वैल्यूज विच इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ आइटम, ठीक है। एक जो वैल्यू होता है ना, जो किसी सेट में, जो किसी सेट में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्लास कहते हैं, उसी को हम वर्ग कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हो, 5 to 10 and 10 to 15, ये वो रेंज है। यहाँ ये 5 to 10 के बीच में जितने वैल्यू आते हैं वो सब इसके अंदर में होंगे, ठीक है। और यहाँ 10 to 15 के बीच में जितने भी, ये वो रेंज है, यहाँ से इधर नहीं जाएगा और 15 से इधर नहीं जाएगा, ठीक है। 10 से 15 के बीच में ही क्या रहेंगी? सारी वैल्यूज रहेंगी। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्लास, ओके? अब आप देखोगे क्लास लिमिट, क्लास लिमिट, द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ क्लास, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, जैसे कि हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया था एक क्लास का 5 to 10, तो यहां पर क्लास लिमिट क्या है? यहां इसकी लिमिट है 5 और इसकी लिमिट है यहां पर 10। तो ये देखिए, ये जो 5 है इसको हम कहेंगे लोअर लिमिट LL, और ये क्या है? अपर लिमिट UL, ठीक है। तो ये क्या है? 5 से नीचे नहीं जाएगा और ये 10 से बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद रखोगे, क्योंकि हम लोग बार बार लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसका इस्तेमाल ना करें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हम बोल सकते हैं LL एंड UL, तब आपको समझ जाना है कि हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ CI, CI means क्लास इंटरवेल। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको क्लास इंटरवेल भी कहते हैं, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या कह दिया? CI, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हम ये इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका CI यानी कि क्लास इंटरवेल का मैग्नीट्यूड हम किसको कहेंगे? डिफरेंस बिटवीन UL एंड LL, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, एग्जाम्पल हमने लिया था 5 to 10, तो 5 to 10 के बीच का डिफरेंस क्या है? 10 minus 5 equal to 5, जो है आपका मैग्नीट्यूड है, ओके। ये चीज़ें इसलिए भी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में MV से भी इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू आगे चल के जब हम सवाल बनाएंगे इससे रिलेटेड, तो मिड वैल्यू ना बोल के MV भी बोल देते हैं, तब आपको समझ जाना है कि हम मिड वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो मिड वैल्यू है वो एक्चुअली क्या चीज है, एवरेज वैल्यू ऑफ यू एल एंड एल एल, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, इनका जो एवरेज वैल्यू है वही क्या कहलाता है, मिड वैल्यू कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, 5 to 10 हमने एग्जाम्पल लिया था, तो इसका मिड वैल्यू क्या निकाला जाएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरेज वैल्यू ऑफ यू एल एंड एल एल, तो इसका ये 5 क्या है, लोअर लिमिट है, और इसका अपर लिमिट है 10, ये दोनों को ऐड कर दिए आया 15 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज अपने को चाहिए है ना, यहाँ पर दो नंबर है तो हम किसे डिवाइड करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 करने से क्या आएगा हमारा 7.5। ठीक है, तो ये जो 7.5 है वो क्या है, हमारा मिड वैल्यू होगा। आगे चल के जब हम सवाल बनाएंगे तो ऐसा भी होगा कि आपको मिड वैल्यू दे दिया जाएगा, तो उससे आपको क्लास इंटरवल बनाना होगा, तो ये हम जब ये करेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी वाले जितने भी हम टेबल्स हम जितने भी बनाएंगे अरेंज करेंगे तो उसके भी कई टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए पहला जो है वो हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज है। सबसे पहले तो हम नाम ही इसके जान लेते हैं, देखिए एक्सक्लूसिव सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज है, ओपन एंड सीरीज है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज है, और मिड वैल्यू सीरीज है। ठीक है ना, ये मिड वैल्यू सीरीज वही वाला है कि ये देखिए मिड वैल्यू यहाँ पर ये दे दिया, अब उसको किस तरह से उसको कन्वर्ट करना है, ये वो वाला है। ठीक है, तो अब हम चल के हम एक एक सीरीज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, अभी तो हम सवाल पर आएंगे नहीं। ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज किसको कहते हैं, आप यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी है आप जरा उस पर ध्यान दीजिए। देखिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये बहुत ही सिंपल सा सीरीज है, जनरली आप इसी तरह का सीरीज देखते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 6, 8, 10, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसका जो अपर लिमिट है वही सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है। ठीक है, फिर आप देख रहे हो यहां पर कि सेकंड क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वही थर्ड क्लास इंटरवल का क्या है, लोअर लिमिट है। ठीक है, जब इस तरह के सीक्वेंस में कोई सीरीज होता है कि एक क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट बन जाता है, ये देखिए ये अपर लिमिट है, ये यहाँ लोअर लिमिट बन गया। ठीक है, ये यहाँ पर अपर लिमिट है, ये यहाँ लोअर लिमिट बन गया, ये हमारा अपर लिमिट और ये यहाँ लोअर लिमिट बन गया। तो जब इस सीक्वेंस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, और ये वही एक जनरल तरीका है जो आप अक्सर मतलब काफ़ी जनरल फॉर्म में है ये। ओके, अगर हम अपने सेकंड सीरीज की बात करें, देखिए हमारा सेकंड सीरीज क्या है, इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव सीरीज में इधर आप लोग ध्यान दोगे, देखिए यहाँ पर आप ये जो क्लास इंटरवल है इस पर आप ध्यान दोगे, देखिए क्या है, 10 to 15, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 24 से 29 एंड 30 to 34। ठीक है, हमारा फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 9, 6 और 8। तो यहाँ पर आपको एक खास बात क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पर खास बात ये है कि 10 टू 15 तो ठीक है समझ में आ गया, लेकिन नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है ये क्या है, 14 से स्टार्ट ना होकर अगले नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 15 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 15 से 19, अब यहाँ आप अगले क्लास इंटरवल में जाओगे तो ये 19 से स्टार्ट ना होकर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब सीरीज इस तरह का आएगा, जब इस तरह का सीरीज होगा तो उसको क्या कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। ठीक है, और इसको जब कभी इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता है इंक्लूसिव सीरीज का तो उसको क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में, तो जब कभी हम सवाल बनाएंगे यूनिट 3 के अंदर में तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, कि किस तरह से ये किया जाता है, किस तरह से इसको
एक चीज चलो बता ही दूं क्या किया जाता है पता है आपको। देखिए सभी में वन का डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये देखिए इसमें भी वन का डिफरेंस, इसमें भी वन का डिफरेंस है, यहां सब जगह वन का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवेल यानी कि 15, ठीक है, और ये अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवेल यानी कि 14, इन दोनों को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। तो अब ये 0.5 है, इसी को ये 0.5 आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अब ये 0.5 को क्या किया जाता है, इसी में माइनस किया जाता है और इसमें प्लस किया जाता है, ठीक है। तो आप 0.5 को अगर 10 में माइनस करोगे तो कितना आएगा 9.5 आएगा, ठीक है, और 14 में आप प्लस करोगे किसको 0.5 को तो कितना आएगा 14.5 आएगा, इतना ही आएगा ना। अब आप आइए किसमें, सेकंड क्लास इंटरवल में 10 में से आप 0.5 को आप ये क्या करोगे, सॉरी 15 में, ये वाला तो हम लोगों का पूरा हो गया। अब हम सेकंड क्लास इंटरवल में आएंगे और सेकंड क्लास इंटरवल में 0.5 को आप इसमें माइनस करोगे, ये अपर लोअर लिमिट में क्या करना है, लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है, ठीक है। तो आप अगर 14 में 0.5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 14.5 आएगा, और 19 में आप 0.5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 19.5 आएगा, यही होगा ना। अब आप थर्ड में आओगे, यहाँ थर्ड क्लास इंटरवल में तो क्या होगा, 20 में आप 0.5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 19.5 आएगा, और 24 में आप 0.5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 24.5, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है ये क्या होगा, ये इसी तरह से बनेगा, ये क्या है, जो इंक्लूसिव सीरीज है वो किस में बदल जाएगा, एक्सक्लूसिव सीरीज में बदल जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल जो है वो आगे चल के हम करेंगे, ओके। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट सीरीज है वो क्या है, ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज देखिए आप यहां पर आइए, ये वाले पोर्शन में आइए, ठीक है। तो ओपन एंड सीरीज में आप क्या देख रहे हो, ये किस तरह का है, देखिए बिलो 5 यानी कि 5 से ज्यादा, ठीक है। इसके बाद आपका क्लास इंटरवल है 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20 एंड 20 एंड अबव। यहां पर आप एक खास बात क्या देख रहे हो कि इसमें जो पहला वाला है और लास्ट वाला जो क्लास इंटरवल है वो क्या है, मिसिंग है। जब कभी ऐसा होता है कि किसी भी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट एंड लास्ट वाला जो क्लास इंटरवल उसका वो क्लास इंटरवल मिसिंग होता है तब वो ओपन एंड सीरीज कहलाता है, ठीक है। इस तरह के सवाल जब कभी आएंगे हमारे साथ में तो इसको कैसे हम बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज, इधर आइए आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपको मार्क्स दे दिया है, मार्क्स जो है देखिए एक्सक्लूसिव सीरीज जो है उसके अंडर में है 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25 एंड 25 टू 30। फ्रिक्वेंसी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने एकदम जनरल समझने के लिए ही जस्ट इसको बना दिया है, ओके। अब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किसको कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी क्या होती जाती है, आपस में जुड़ती जाती है, कैसे, ये देखिए यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को CF इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे चल के जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इतना लंबा चौड़ा कोई नहीं बोलेगा, सब CF ही बोलेंगे। तो ये CF कैसे निकाला जाता है, ये देखिए ये पहली फ्रिक्वेंसी तो आपने जैसी की तैसी लिख दी, ठीक है। दूसरे के लिए आपने क्या किया, ये वाला जो है फर्स्ट और ये वाला जो सेकंड, ये दोनों को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 1 + 2 = 3, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है, ये 3 आपने यहां लिख दिया प्लस ये वाला 3 जो है इनके साथ में अब ये भी जुड़ गया, ठीक है। तो ये वाला 3 इसमें ऐड कर दिया, आ गया क्या 6। ठीक इसी तरह से ये देखिए, ये 6 आपने यहां लिख दिया, ये वाले को यहां जोड़ दिया, 6 + 4 = 10, यानी कि ये यहां फिर जुड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये जो 10 है इसको आपने यहां पे लिखा और ये जो 5 है इसको यहां पर ऐड कर दिया, मतलब इसमें ऐड कर दिया
10 प्लस 5 इक्वल टू 15, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये CF है आपका, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा CF है आपका, ठीक है। और इतना आप ध्यान रखोगे कि ये CF का जो लास्ट में जो टोटल आता है वो, और F का जो यहाँ पर टोटल आएगा वो दोनों इक्वल होता है हमेशा। जब कभी ऐसा कुछ हो रहा है कि ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है, मतलब आपने कहीं ऐड करने में गलती की है, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा CF, ठीक है। इस तरह का भी आपको दे सकता है CF वाला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू सीरीज आप आइए यहाँ पर देखिए, मिड वैल्यू जो है, मिड वैल्यू मैंने क्या बताया था, क्या होता है मिड वैल्यू, जैसे 5 टू 10 आपका क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो इसका मिड वैल्यू क्या है, 5 प्लस 10 अपॉन 2, यानी कि 15 अपॉन 2, ठीक है। तो ये दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 7.5। तो हम क्या कहेंगे कि 5 टू 10 का मिड वैल्यू क्या है, इसका मिड वैल्यू है 7.5, यही है ना, ऐसे ही। तो ये देखिए, यहां पर आपको ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, आपको मिड वैल्यू दे दिया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि आपको मिड वैल्यू दे दिया जाएगा और उस पर क्वेश्चन बेस्ड होंगे। तो ये देखिए, यहां पर आपको मिड वैल्यू दे दिया है 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी आपको दे दिया है, फ्रिक्वेंसी आपको क्या दिया है यहाँ पर, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी को तो जाने दीजिए आप, ये मिड वैल्यू से आपको क्या बनाना पड़ेगा, मिड वैल्यू से आपको क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। ये आपको दे दिया गया है, आपको ये बनाना पड़ेगा। तब आप कैसे बनाओगे, आप देखिए सभी में कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, सभी में 10 का डिफरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या है, इनका जो है किसी भी एक क्लास इंटरवल का आप क्या करोगे, आप उसका डिफरेंस निकालोगे। तो यहाँ पर 15 माइनस 5 इक्वल टू क्या आया, 10 आया, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 2 1 2 2 5 10, ठीक है ना, 5 का डिफरेंस आया। अब ये जो 5 है इसको आप क्या करोगे, जो फर्स्ट एमवी है इसी में आप माइनस करोगे और इसी में आप प्लस करोगे, ठीक है। ये जो 5 है ध्यान रखना, ये जो 5 है इसी को आप क्या करोगे, सेकंड वाले में भी माइनस करोगे और एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस, एक बार प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ठीक है। अब 5 में आप 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0, और 5 में आप एक बार 5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्लास इंटरवल बन गया। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, 15 में हम एक बार माइनस करेंगे, 15 माइनस 5 क्या आएगा, 10, ये आ गया आपका ये। 15 में आप एक बार अब 5 को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। फिर आप थर्ड में आइए, 25 में आप 5 को एक बार माइनस करोगे, एक बार प्लस करोगे, 25 में आप 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 20, और 25 में आप एक बार 5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 25, ठीक। इसी तरह से ये पूरा जो प्रोसेस है वो चल, 25 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 30 आएगा, है ना, इधर पे 30 आएगा, आ रहे समझ में। तो ये देखिए, इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करके आपको मिड वैल्यू से क्या बनाना है, मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल बनाना है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये जितने भी ये 5 टाइप्स हमने पढ़े फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, वो आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएंगे तब और ज़्यादा हम डिटेल में इसको देख पाएंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक आज की क्लास हमको यहीं पे ख़त्म करनी चाहिए, और इसी के साथ ही हमारा ये जो लेसन 4 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ये हमारा ख़त्म होता है। चलिए, हम आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय।